हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल वीवी फाणी ड्राइंग ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, तो आज का टॉपिक है रिपब्लिक डे सीनरी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम बनाने जाएंगे रिपब्लिक डे सीनरी ड्राइंग। तो देखिए, मैंने स्काई ब्लू से सबसे पहले क्लाउड्स बना दिए हैं। देखिए मैंने किस प्रकार से क्लाउड्स बनाए हैं, सबको छोड़ छोड़ कर छोटा बड़ा गोल गोल करके मैंने सभी तरफ क्लाउड्स बना दिए हैं। बनाने के बाद हम नीचे से पहले लेवल लेंगे, उसके बाद हम स्काई ब्लू को नीचे से घुमा घुमा कर ऊपर ऊपर लेंगे। देखिए मैं किस प्रकार से घुमा घुमा कर ऊपर ऊपर ले रहा हूँ, उसी प्रकार सभी क्लाउड्स को हम अलग अलग करेंगे। देखिए मैंने इसके ऊपर में भी उसी प्रकार घुमा घुमा कर ही दिया है, ठीक उसी प्रकार आपको भी घुमा घुमा कर ही बॉर्डर देना है और भरना है। जब हम घुमा घुमा कर कलर भरेंगे, ध्यान देंगे हम बीच में कहीं व्हाइट नहीं छोड़ेंगे और क्लाउड के अंदर नहीं लाएंगे, हमें सबको डिवाइड करना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लगभग सब जगह भर दिया है, उसी प्रकार आपको डिवाइड करते करते सब जगह भरना है। तो देख रहे हैं दोस्तों, मैंने किस प्रकार से घुमा घुमा कर स्काई ब्लू को भरा है। भरने के बाद हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर से अच्छी तरह से उसको भी घुमा घुमा कर हम ऊपर ऊपर में पूरा क्लाउड मिक्सिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं किस प्रकार धुंधला धुंधला करके घुमा घुमा के मार रहा हूँ स्काई में, बादलों में, उसी प्रकार आपको अच्छी तरह सभी जगह जहाँ जहाँ आपने व्हाइट छोड़ा था उन सभी जगहों में स्काई ब्लू के साथ घुमा घुमा कर आपको पूरा अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल शेप में नहीं मारना है, ओनली आपको कर्ली शेप में ही घुमा घुमा कर मारना है। तो देखिए दोस्तों, मैं किस प्रकार से स्काई ब्लू भरा हूँ, आपको उसी प्रकार भरना है। भरने के बाद हमने जो पेपर का टेप लगाया था उसे ध्यानपूर्वक निकालेंगे। निकालने के बाद हम रिपब्लिक डे स्पेशल बना रहे हैं, इसीलिए हम तिरंगा का शेड देंगे। आज हम जो झरना बनाएंगे वो हमारा तिरंगा से झरना बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने ऑरेंज से जिस प्रकार से हमने राउंड शेप निकाला था उसी हिसाब से हमें झरने का पानी थोड़ा दिखाना है, ऊपर से नीचे ऊपर से नीचे हमें ओनली स्ट्रोक मारना है। आप कॉफी को राउंड शेप रख कर भी घुमा घुमा कर कलर भर सकते हैं। तो देखिए मैं किस प्रकार से घुमा घुमा कर भर रहा हूँ, हमारा तिरंगा का कलर उसी हिसाब से आपको ऊपर से नीचे नीचे भरते भरते आना है। ध्यान देंगे कि हमें बीच बीच में हमें व्हाइट भी छोड़ना है। तो मैंने स्काई ब्लू ऑरेंज कलर को नीचे नीचे ले आया है, ऑरेंज कलर को नीचे नीचे ले आया है और रेड कलर से कहाँ कहाँ पे हम राउंड शेप में कहाँ कहाँ थोड़ा डिवाइड करके थोड़ा स्ट्रोक्स मारेंगे। देखिए मैं किस प्रकार से कहाँ कहाँ पे रेड कलर से मार रहा हूँ, व्हाइट के नीचे नीचे, लाइट के नीचे नीचे, उसी हिसाब से हमें लाइट और व्हाइट देखकर उसके नीचे नीचे रेड को भरना है। देखिए मैं किस प्रकार से कलर को भरा है, बाद में हम लाइट ग्रीन पकड़कर उसी हिसाब से हमें राउंड शेप में ऊपर से नीचे स्ट्रोक्स मारना है। अगर आप राउंड शेप में मार सकते हैं तो और राउंड शेप में भी कलर मार सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने किस प्रकार से राउंड शेप में निकाला है कलर को, आपको उसी प्रकार कलर निकालना है। फिर डीप ग्रीन लाकर उसे थोड़ा डिवाइड कर देंगे। जिस प्रकार हमने ऑरेंज के ऊपर रेड मारा था ठीक उसी प्रकार हम डार्क ग्रीन को भी वैसे ही स्ट्रोक्स मारेंगे। देखिए मैं जिस प्रकार से कलर भर रहा हूँ, आपको उसी प्रकार राउंड शेप नहीं मारना, सीधा सीधा नहीं मारना है। अगर सीधा सीधा मारेंगे तो वो लेवल सीधा स्ट्रेट मारना पड़ेगा। झरना को थोड़ा स्लाइड करके दिखाना है। देखिए दोस्तों, मैंने किस प्रकार से मिक्सिंग किया है, आपको उसी प्रकार मिक्सिंग करना है। फिर हम स्काई ब्लू से थोड़ा व्हाइट ब्रश दिखाने के लिए
के साइड साइड में थोड़ा थोड़ा इसी हिसाब से स्ट्रोक्स मारने, कहाँ कहाँ पे हमें ध्यान देना है, पूरा भरना नहीं है, पूरा भरेंगे तो हमारा ड्राइंग खराब हो जाएगा। येलो कलर लेकर ऑरेंज में अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने किस प्रकार से राउंड शेप में ही येलो कलर को ऑरेंज में मिक्सिंग कर रहा हूँ, जिससे हमारा ऑरेंज अच्छे से ब्राइट कलर दिखाई दे रहा है। देखिए किस प्रकार दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर हमारा, उसी प्रकार हम लाइट ग्रीन में भी येल्लो को मिक्स करेंगे। मैंने इसमें लेमन येलो लिया है जो कि अच्छा शाइनिंग आ गया। देखिए किस प्रकार शाइनिंग और ग्रीन दिखाई दे रहा है, हमारा फ्लैग कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ऑरेंज वाइट ग्रीन में। बाद में हम येलो को नीचे तक अच्छी तरह से मिक्सिंग करना है दोस्तों, पूरे नीचे तक हम भरने के बाद फिर येलो से नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक्स मारेंगे। देखिए किस प्रकार से रेड कलर से स्ट्रोक्स मार रहा हूँ, नीचे नीचे से हम रेड कलर का स्ट्रोक थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक्स ऊपर ऊपर तक मारेंगे, पूरा लंबा लंबा नहीं मारना है। फिर येलो से ऊपर ऊपर कलर को खींचना है। उसी प्रकार ग्रीन के जगह में भी हम ग्रीन को उसी प्रकार से कलर भरेंगे। बाद में व्हाइट कलर से कहां कहां पे थोड़ा लाइटिंग दिखा देंगे पानी का, जैसे थोड़ा थोड़ा कहां पे व्हाइट कलर लाइटिंग दिखा देंगे, जिस प्रकार हमें ऑरेंज मारा था उसी प्रकार हम लाइट ग्रीन में भी कहां कहां थोड़ा दिखा देंगे। बाद में हम डार्क पेंसिल पकड़कर झाड़ियाँ बनाएंगे, जैसे कल के ड्राइंग में मैंने आपको बताया था उसी प्रकार इसमें झाड़ियों में हमें कल डार्क से भरते भरते नीचे से ऊपर जाना है। हमें ध्यान देना है हमारी झाड़ियाँ नीचे ज़्यादा ऊपर कम कम दिखाई देना है। देखिए मैं किस प्रकार से झाड़ियाँ बनाऊँगा, अब देखिए उसी प्रकार हम नीचे से ऊपर अच्छे से घरते घरते ऊपर नीचे करते करते नीचे से ऊपर तक झाड़ियाँ बनाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे एक दो झाड़ियाँ ही दिखाया है, बाकी क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा किस प्रकार से बनाया गया है। पेड़ों को आप ध्यान से देखिए किस प्रकार से मैंने बनाया है पेड़ को, आपको उसी प्रकार पेड़ बनाना है। जब हम झाड़ी बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा स्काई ब्लू छोड़ छोड़ के मार रहा हूँ दोस्तों, आप देख रहे हैं इससे हमारा पेड़ सब अलग अलग दिखाई देगा और घना घना मालूम पड़ेगा। तो देखिए मैं थोड़ा लहर नुमा निकाल दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से, ठीक उसी प्रकार दूसरे जगह में भी इसी प्रकार हम पेड़ बनाते जाएंगे। लैंडस्केप में हमें पेड़ दिखाने से हमारा लैंडस्केप और अच्छा दिखाई देता है। अगर हम शुरुआती दौर पर हम अभ्यास कर रहे हैं तो हमें अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों मैंने लगभग 3 पेड़ यहाँ बना लिए हैं, अभी मैं आपको उससे छोटे छोटे पेड़ कैसे होते हैं देखिए यहाँ मैं पेड़ बना देता हूँ और बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा। ऐसे बड़े देखिए किस प्रकार से बड़ा से छोटा पेड़ बना है, उसी हिसाब से भी तरफ हम पेड़ बनाएंगे और आसमान में ऐसी चिड़िया बना देंगे। देख रहे हैं दोस्तों मैंने किस प्रकार से पक्षी बनाए हैं, उसी हिसाब से आपको जहाँ व्हाइट व्हाइट है वहाँ भी डाटर से हमें चिड़िया बनाना है। तो देखिए लगभग हमारा ड्राॅइंग हो चुका है और हम व्हाइट कलर का पोस्टर लेकर नीचे से ऊपर थोड़ा थोड़ा दाना दाना देंगे। देखिए दोस्तों हम प्योर व्हाइट सेव करेंगे तो ये फ्लिक करके वाइट से भी अच्छे से और साफ साफ दिखाई देता है। तो देखिए मैंने कर लिया है और
स्काई ब्लू के कलर से मैं नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा दाना दे दिया है, जिससे थोड़ा पानी का झरना गिर रहा है, जिससे मैं थोड़ा दिखाना है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे ऑरेंज का पानी था वहाँ पे मैंने रेड कर दिया है, जहाँ ग्रीन का झरना था वहाँ ब्लू दिया था, क्योंकि येलो में ब्लू मिक्स होने से ग्रीन ही होता है। तो देखिए मैं लगभग मेरा ड्राइंग खत्म हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे बस अशोक चक्र बनाना है। देखिए मैंने टेप निकाल दिया है, अंदर में बस अशोक चक्र बनाएंगे तो हमारा ड्राइंग समाप्त होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।